गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, यू आर वेलकम इन आर वाटर सपोर्ट चैनल। आइए देखिए, मैं अभी फ्लोर स्ट्रक्चर का वैल्यू कैलकुलेशन कर रहा हूँ। यदि आप मान लीजिए कि 50 GPD का पंप का यूज करते हैं और 50 GPD का मेम्ब्रेन का यूज करते हैं, तो दोनों का आपको एवरेज निकालना है। तो इसके लिए 50 को 50 से प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये आएगा 50। यानी कि फ्लोर स्ट्रक्चर का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इस 50 वैल्यू को आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है, तब आएगा 300। यानी कि आपको 300 CC का फ्लोर स्ट्रक्चर यूज करना है। मैं एक एवरेज वैल्यू बता रहा हूँ। नेक्स्ट, यदि आप 75 GPD का बूस्टर पंप और 50 GPD का मेम्ब्रेन का यूज करते हैं, फिर उसी तरीके से इस वैल्यू को आप प्लस करके 2 से डिवाइड कीजिए, यानी इसका एवरेज निकालिए। 75 को 50 से प्लस कीजिए, 125 आएगा। फिर इसको 2 से डिवाइड कीजिए, 62.5 आएगा। फिर फ्लोर स्ट्रक्चर का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इस वैल्यू को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 375 आएगा। यानी कि आपको 350 CC का फ्लोर स्ट्रक्चर का यूज करना है। हाई TDS में आप 450 CC का फ्लोर स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। काफ़ी लो TDS होने पर आप 300 CC का भी फ्लोर स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल थर्ड, यदि 75 GPD का बूस्टर पंप हो और 75 GPD का मेम्ब्रेन लगा हो, यानी दोनों सेम हो, उस स्थिति में इसका एवरेज निकालेंगे तो 75 आएगा। फिर इस 75 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 450 आएगा। यानी कि आप उस स्थिति में 450 CC का फ्लोर स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। हाई TDS होने पर 550 CC का भी आप फ्लोर स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा TDS हो तो आप 650 CC का फ्लोर स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। जितना CC बढ़ेगा उतना ही रिजेक्ट वाटर ज़्यादा आएगा और प्योर वाटर कम हो जाएगा। तो एक एवरेज आपको CC का फ्लोर स्ट्रक्चर यूज करना है, ताकि रिजेक्ट वाटर भी कम आए और प्योर वाटर भी इतना आए ताकि आपको अखरे नहीं। नेक्स्ट, यदि आप 75 GPD का बूस्टर पंप यूज करते हैं और 80 GPD का मेम्ब्रेन यूज करते हैं, उस स्थिति में यदि इसका एवरेज निकाला जाए तो आएगा 155। फिर इसको 2 से डिवाइड किया जाए तो ये आएगा 77.5। फिर इसको 6 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 465 आएगा। यानी कि आप 450 CC का फ्लोर स्ट्रक्चर का यूज करें एक एवरेज या लो TDS होने पर, और हाई TDS होने पर आप 550 CC का फ्लोर स्ट्रक्चर यूज करें। यदि 500 CC का फ्लोर स्ट्रक्चर अवेलेबल हो तो आप एवरेज TDS होने पर यूज कर सकते हैं, यानी कि न ज़्यादा TDS न कम TDS होने पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल 5, यदि 100 GPD का पंप का यूज करते हैं और 50 GPD का मेम्ब्रेन का यूज करते हैं, उस स्थिति में इसका एवरेज अगर निकाला जाए तो आएगा 75। फिर इसको 6 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 450 CC। यानी कि उस स्थिति में आपको 450 CC का फ्लोर स्ट्रक्चर का यूज करना है। काफ़ी हाई TDS होने पर 550 CC का भी आप फ्लोर स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यदि 100 GPD का बूस्टर पंप आप यूज करते हैं और उसमें आप 75 GPD का मेम्ब्रेन लगाते हैं, उस स्थिति में इसका एवरेज आता है 87.5। फिर इसको आप 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एवरेज वैल्यू आता है 525। यानी कि 550 CC का फ्लोर स्ट्रक्चर का आपको यूज करना है। मिनिमम आप काफ़ी लो TDS होने पर 450 CC का फ्लोर स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। जितना मिनिमम वैल्यू का फ्लोर स्ट्रक्चर का यूज करेंगे उतना ही रिजेक्ट वाटर कम आएगा और मेम्ब्रेन का लाइफ एवरेज से कम हो जाएगा। इसलिए आपको एवरेज फ्लोर स्ट्रक्चर का ही यूज करना है। काफ़ी हाई TDS हो उस स्थिति में आप 650 CC का भी फ्लोर स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। यदि मेम्ब्रेन बार बार चौक करता हो तब, तो फ्लोर स्ट्रक्चर का CC को आपको बढ़ाना है। नेक्स्ट, यदि 100 GPD का पंप और 80 GPD का आप मेम्ब्रेन का यूज करते हैं, उस स्थिति में आपका एक एवरेज वैल्यू आता है 90। इस 90 को आप 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 540। यानी उस स्थिति में आपको 550 CC का फ्लोर स्ट्रक्चर का यूज करना है। नेक्स्ट, यदि 100 GPD का बूस्टर पंप और 100 GPD का मेम्ब्रेन, यानी दोनों 100 GPD का आप यूज करते हैं, तो उस स्थिति में एवरेज वैल्यू आएगा 100। इस 100 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 600 CC। यानी 600 या 650 CC या 550 CC का फ्लोर स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। एक एवरेज TDS होने पर 550 और हाई TDS होने पर 650 CC।
600 सीसी का भी फ्लोर स्टिक्टर आता है, एक एवरेज टीडीएस में आप उसका भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, यदि बूस्टर पंप 150 जीपीडी का हो, जैसे कि कैम्फलो वगैरह का होता है, और 100 जीपीडी का मेम्ब्रेन हो, उस स्थिति में एवरेज वैल्यू आएगा 125। तो इसको अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 750 सीसी। हो सकता है 750 सीसी का फ्लोर स्टिक्टर आपको अवेलेबल नहीं हो, तो आप 650 सीसी का फ्लोर स्टिक्टर का यूज कर सकते हैं। अगर वो भी अवेलेबल नहीं हो तो लो टीडीएस होने पर 550 सीसी का भी फ्लोर स्टिक्टर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, यदि बूस्टर पंप 150 जीपीडी का हो और मेम्ब्रेन 80 जीपीडी का हो, इसका एवरेज वैल्यू आएगा 115। इसको आप 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा 690। तो इसको आप 650 सीसी के रेंज में आप ले लें, एक एवरेज टीडीएस होने पर, लो टीडीएस होने पर आप 550 सीसी या 600 सीसी का फ्लोर स्टिक्टर का भी यूज कर सकते हैं। एग्जांपल नेक्स्ट, 150 जीपीडी बूस्टर पंप और 75 जीपीडी का अगर मेम्ब्रेन हो, उस स्थिति में आप ऐड करेंगे, इसका एवरेज निकालेंगे तो 225 और को 2 से डिवाइड करने के बाद आएगा 112.5। और फिर इसमें आप को 6 से यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 675, यानी कि इसमें आपको 650 सीसी का फ्लोर रिस्ट्रिक्टर का यूज करना है। एक एवरेज, अगर हाई टीडीएस हो तो आप इससे सीसी को बढ़ा भी सकते हैं, लो टीडीएस हो तो आप 550 सीसी का भी यूज कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि इसमें 100 जीपीडी पंप लगा है तो उसमें आप अडाप्टर लगाते हैं, यदि 36 वोल्ट डीसी तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा ही फ्लोर स्टिक्टर का वैल्यू रखना है। ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, 150 जीपीडी का अगर बूस्टर पंप है और 50 जीपीडी का मेम्ब्रेन है, उस स्थिति में एवरेज आता है 100, इससे 6 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 600, यानी कि 600 सीसी का फ्लोर स्टिक्टर का यूज करना है। काफ़ी लो टीडीएस होने पर 550 सीसी का भी फ्लोर स्टिक्टर चल सकता है, और हाई टीडीएस होने पर कम से कम 650 सीसी का फ्लोर स्टिक्टर का यूज करेंगे। ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपने हमारी इस वीडियो को अंत तक देखा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।